आज पाकिस्तान में एक पागल ने दूसरे बंदे को पागल करार दे दिया। आखिर ये रिपोर्ट्स कहाँ बनी हैं, किसने बनाई हैं और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर किस नौयत का दबाव है? बुशरा बीबी के फैसलों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तबाह किया, एक बहुत बड़ा इंकशाफ और हकीकत के बहुत करीब। जंगीर तरीन नई जमात के सरबराह होंगे, फिर जमात की फॉलो अप स्टोरी आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर सास के चर्चे, ये भी आज की बहुत बड़ी खबर है। तो आखिर इमरान खान को किसने और कैसे पागल करार दिया, आज के दिलचस्प वाकयात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गौरव धंधा, अब्रार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। हम बतौर सहाफ़ी जिस जगह से तलक रखते हैं, जब हम खबर दे रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि किस किस तरह के अजूबे हमारे पल्ले पड़े हैं। मैं आपके सामने बैठ के किस नौयत की बात कर रहा हूँ, आखिर क्यों बात कर रहा हूँ? आप करें तो और क्या करें, हल कोई नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पागल ने दूसरे शख्स को पागल करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में ये वाकया भी होना था कि पहले कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो नशेई हैं, वो नशा करते हैं। दो दिन आपने पास रखा, लैब में लेके गए, बड़े टाइम के ऊपर लेबॉरेटरी टेस्ट भी आ गए। लेबॉरेटरी टेस्ट जो आए हैं उसके ऊपर बात करने से कबल हम आपको ये बता देते हैं कि इमरान खान को वजीर सेहत कादर पटेल साहब जो बड़े जज्बाती हैं उन्होंने पागल करार दिया है। अब मैं कैसे मान लूँ कि जिस शख्स ने इमरान खान को पागल करार दिया वो सही है? एक पागल ही होगा जो वजीर सेहत भी है ऊपर से और उसने इमरान खान को पागल करार दे दिया, ये ज़हनी मरीज है। अब कादर पटेल साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है, कई बार तो अखलाकी अदूद और क्यूद को भी पार कर देते हैं। लियारी गैंग के हवाले से उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं, एफ ए फेल हैं, यकीनन पता नहीं मैट्रिक पास होंगे या नहीं होंगे, चूँकि वकील जिसको भी डिग्री चाहिए वो कराची से जाके लेता है और वहाँ पर डिग्री लेना कौन सा मुश्किल तरीन काम है। फिर ऊपर से जब वजीर सेहत बने तब भी इनकी तालीम के हवाले से चीज़ें सामने आई थी। लोग ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा मुबैन तौर के ऊपर, के कादर पटेल तो खुद बेचारे शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हो सकता है ऐसे ना हो। तो कादर पटेल साहब ने बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई कि इमरान खान तो पागल है, ये तो जिसको 3.5 करोड़ अवाम देते हैं ये भी पागल है, ये जो 91% लोग इसके साथ हैं वो तो उससे बड़े पागल हैं। तो यानी कि इमरान खान पहले तोशाखाना का चोर था, फिर उसकी जान लेनी थी, अब अल कादरिया ट्रस्ट में 60 अरब रुपये खा गया, फिर इसने पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन इस पागल ने कैंसर अस्पताल बनाया। अच्छा, लोगों को सीरत तो नबी पढ़ा के वहाँ से लीडर पैदा करना चाह रहा था, फिर लोगों को घर दिए और फिर क्या किया कि 1 मिलियन रुपीस दे दिए फ्री में इलाज करें। अगर कोई पागल ही इस मुल्क के लिए ऐसे इकदाम कर सकता है, लोगों को एजुकेट करने के लिए नमल कॉलेज बना सकता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान जैसे पागल को उन्होंने वाइस चांसलर बना दिया, तनख्वाह की बात आई तो कहा नहीं मेरे मुल्क के लोगों को अकोमोडेट कर दीजिएगा कुछ कोलेब्रेशन करके। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये बरतानिया वाले भी सारे, सॉरी ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये पागल थे जिन्होंने इस पागल को वहाँ पे चांसलर ले लिया और सारी चीज़ें कहीं। आप अखलाकी इकदार को मसख करते हुए किस हद तक नीचे जाएंगे? ये अब्दुल कादर पटेल साहब ने जो काम किया इसमें पीडीएम मरियम नवाज ये सारे लोग मिलके शामिल हैं, तो आपके कहने से इमरान खान पागल नहीं होगा? जिसने गोलियाँ खाई हैं वो पागल नहीं था, जिस वजह से जो है वो बैरूनी दुनिया में नहीं गया। अगर इमरान खान पागल है तो फिर जिस लेबॉरेटरी से आपने टेस्ट करवाए हैं वो लेबॉरेटरी पता है आपको कौन सी है? ये देखने और सुनने वालों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ये वो लेबॉरेटरी है, ये उस लेबॉरेटरी ने रिपोर्ट्स दी हैं जिसने कहा था मियां साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए। आज तक प्लेटलेट्स ऊपर वापस नहीं आए, और जिस लेबॉरेटरी ने मियां साहब के प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट दी थी उस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट है कि जनाब अली इमरान खान तो पागल है, वो तो नशा करता है। पता नहीं कितनी इकसाम नशे की लिखी है ना, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अगर इस लेबॉरेटरी की इस रिपोर्ट को मान लिया जाए तो फिर मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो कम होने की बात आई थी वो भी